इंफॉर्मेशन अब के नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाज़रीन ग्रामी, आज है 14 मई 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, ईद के दूसरे दिन हमास ने फ़लस्तीन का आखिरकार बदला ले लिया। इसराइल का वो नुकसान कर दिया जिसका इसराइल कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसराइल पर कहर ढा दिया, 1500 मिसाइलों से हमले, 5 इसराइल के शहर उड़ा दिए। यहूदियों का हाथ जोड़कर फ़लस्तीन से माफ़ियाँ मांगने लगे। पूरा खित्ता हाई अलर्ट कर दिया गया। अब इसराइल की खैर नहीं, इंशाल्लाह इसराइल को अंजाम तक पहुँचाएँगे, हमास का ऐलान सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमास से मोहब्बत और इसराइल से नफ़रत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि पीर की शाम से अब तक गज़ा की पट्टी से तकरीबन 1500 रॉकेट इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दागे जा चुके हैं, जिससे इसराइल के 5 शहर उड़ा दिए हैं। ईद के दूसरे दिन हमास ने फ़लस्तीन के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। रॉकेट हमलों में अब तक इसराइल में 7 अफराद हलाक हो चुके हैं, इनमें एक 6 साल बच्चा और एक फ़ौजी शामिल है। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जुमेरात को अलसुबह अपने फ़जाई हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए ने बुध की शब तस्दीक की है कि गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज की जारियत में अब तक 67 फ़लस्तीनी शहीद और 388 जख्मी हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 17 बच्चे, 6 ख़वातीन और एक उम्र रसीदा शख्स शामिल है। शीन बैत के मुताबिक इस फ़जाई हमले में हमास के गज़ा शहर में ब्रिगेड कमांडर बासी मीसा, हमास के साइबर और मेज़ाइल टेक्नोलॉजी के सरबराह जुम्मा तलहा और असला साजी यूनिट के 13 अरकान मारे गए। बासी मीसा इसराइल की 2014 में गज़ा पर मुसल्लत करदा जंग के बाद हमास के शहीद होने वाले सबसे आला कमांडर हैं। हमास ने एक बयान में उन तमाम शहादतों की तस्दीक की है। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में गज़ा पर सैकड़ों फ़जाई हमले किए हैं, उनमें फ़लस्तीनियों की शहादतों की तादाद 48 हो चुकी है, जबकि हमास और दूसरे फ़लस्तीनी तंजीमों के रॉकेट हमलों में इसराइल में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने बुध को भी गज़ा शहर पर मुतअद्दिद फ़जाई हमले किए हैं और उनमें कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट इमारतों को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज ने यह दावा किया है कि इन इमारतों में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकार रपोज थे। एक और फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम इस्लामी जहाद ने इसराइली फ़ौज के फ़जाई हमले में अपने 3 कमांडरों की शहादत की तस्दीक की है। इसराइल के ज़ेर मुहासरा गज़ा की पट्टी पर इसराइली हमलों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद होने से ज़्यादा की तादाद 83 तक जा पहुँची है। गज़ा में फ़लस्तीन वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इसराइल ने 10 मई से गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हमलों में 17 बच्चों और 6 औरतों समेत 83 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है और ज़ख्मियों की तादाद 388 तक पहुँच चुकी है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि दम घुटने से शहीद होने के एहतमाल के साथ मुतासर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइली पुलिस ने भी मकबूजा मशरकी बैतुलमक़दस के इलाके कदीम शहर के बाबू शाम में शेख जरा मोहल्ले में फ़लस्तीनियों पर हमला किया। मशरकी बैतुलमक़दस के इलाके कदीम शहर में वाक़ मस्जिद अल अक्सा में नमाज इशा की अदायगी के बाद बाबू शाम में जमा होने वाले फ़लस्तीनियों को इसराइली पुलिस की मदाखलत का सामना करना पड़ा। शेख जरा मोहल्ले में भी इसराइली पुलिस ने घरों से बेदखली के मुताबिक खतरे का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों पर हमला किया। फ़लस्तीनी हलाल अहमर के जारी करदा बयान के मुताबिक इसराइली पुलिस ने बाबे शाम और शेख जरा मोहल्ले में फ़लस्तीनियों पर स्टेन ग्रेनेडों, रबड़ बुलेट, आंसू गैस और बख्तर बंद गाड़ियों के साथ हमला किया। फ़लस्तीन वजारत सेहत के मुताबिक दरियाए उर्दन के मुतअद्दिद शहरों में इसराइली फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ असली गोलियों का इस्तेमाल किया और आंसू गैस फेंकी। हमले के नतीजों में 3 अफराद शहीद और 51 जख्मी हो चुके हैं। इस अरसे में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से
1500 के करीब रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें कई इसराइली इलाके में गिरे, जबकि कई बेशतर इसराइली दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिए। रॉकेट गिरने से इसराइल में अब तक 5 अफराद की हलाकत की इतलात मौजूद हैं। पीर को हमास की जानिब से मकबूजा बैतुलमक़दस में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली पुलिस की कार्रवाई के रद्दअमल में इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर करने से शुरू होने वाला तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अक़वामे मुत्तहिदा और आलमी बरादरी ने फ्रीकैन से फौरी तौर पर कशीदगी कम करने का मुतालबा किया और कहा गया है कि सूरत हाल तेज़ी से एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बुध की सुबह इसराइली जंगी तैयारों ने गजा पर ददनों फजाई हमले किए, जबकि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से तुल अबीब और बैरू शेबा के इलाकों पर मुतअद्दिद रॉकेट दागे गए। इसराइल में हकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि एक और शख्स की भी रॉकेट हमले में मौत हुई है, ताहम वो इसराइली नहीं जबकि भारतीय शहीद जो 12 घंटे वहां काम करते थे। इसके अलावा हमास ने एक बार फिर इसराइल पर हमले तेज़ कर दिए हैं। खबरस्तान एजेंसी के मुताबिक 12 मई के बाद अब एक बार फिर जुम्मे की सुबह इसराइली जंगी तैयारों ने गजा में एक बरामदा तरीन इमारत पर बमबारी की। इतलात के मुताबिक इस 9 मंजिला इमारत में कई रिहायशी अपार्टमेंट और 2 कंपनियां और एक डेंटल क्लिनिक भी थी। यह इमारत पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुकी है। इस तरह मजीद हमले करने का भी अंदिया दे दिया है। इसके अलावा इसराइली मीडिया की बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक तुल अबीब में ही कई अरब इसराइलियों की दुकानें भी लूट ली गई हैं। इस तरह बाज़ दीगर इलाकों में बाज़ यहूदियों के साथ भी मारपीट के वाकयात पेश आए हैं। पुलिस हकाम के मुताबिक इन झड़पों में अब तक दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स का कहना था कि पहले से कहीं ज़्यादा अब हमारे दाखिली तलफात हमारे लिए ख़तरा बन चुके हैं। ऐसा ना हो कि हम गजा की जंग जीत जाएं और घर की लड़ाई हार जाएं। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी अंदरून इसराइल यहूदियों और अरब इसराइलों के दरमियान फसादात की मजम्मत की। उनका कहना था कि अगर हालात काबू में ना आए तो ऐसे मुतासर इलाकों में फ़ौज की तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। आलमी रहनुमा इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तशद्दुद के खिलाफ़ मुज़म्मती बयान जारी करते रहे हैं और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की अपील भी करते रहे हैं। ताहम इसराइल की फ़ौज और हमास के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफा भी हो रहा है। इस दौरान इसराइल पर रॉकेट हमलों की वजह से कई अमेरिकी फजाई कंपनियों ने तुल अबीब के लिए अपनी परवाजें तक को मनसूख कर दिया है। इसके अलावा ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली बम्बारी में अब तक 17 बच्चों समेत बहुत ज़्यादा इसराइल फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।